चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करने वाला है। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। जस्ट तो 100 से ज़्यादा कॉलेजों ने नहीं भेजे प्रैक्टिकल के अंक, रिजल्ट होगा लेट, सीएसयू प्रशासन ने जताई नाराजगी। सीएसयू से संबद्ध कॉलेजों में परंपरागत एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की विषम सेमेस्टर की लिखित परीक्षाएं कराई जा चुकी है, लेकिन 100 से अधिक कॉलेजों ने अभी तक आंतरिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंक नहीं भेजे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने नाराजगी जाहिर करते हुए इन सभी कॉलेजों से तत्काल 3 दिवस के भीतर अंक जमा कराने के लिए कहा है। अगर इसमें देरी हुई तो इन कॉलेजों का रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा, जिसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। तो ऐसे में इन छात्रों के रिजल्ट रुक सकते हैं अगर कॉलेजों ने 3 दिवस के अंतर यहाँ पर अपने आंतरिक और प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं भेजे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर छात्र परेशान होंगे और इसके जिम्मेदार खुद कॉलेज होंगे। उसके साथ ही आपको बता दूं कि 2 जून तक विलंब शुल्क से जमा करें बीएड के परीक्षा फॉर्म। सीएसयू से संबद्ध कॉलेजों में बीएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के जो छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म का शुल्क नहीं जमा कर पाए हैं, ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय ने मौका दिया था, उसके बाद भी जो छात्र छात्राएं रह गए हैं अब वो ₹2000 विलंब शुल्क के साथ 2 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने यह अंतिम मौका दिया है, इसके बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन फॉर्मों को कॉलेज 3 जून तक ऑनलाइन पोर्टल से सत्यापित कर 4 जून तक बीएड परीक्षा में जमा करा दे। उसके साथ ही आप सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि फर्जी संस्थानों से रहे सतर्क, जांच परख कर ले दाखिला। आपको बता दूं कि यूजीसी ने बिना मान्यता डिग्री देने वाले पर नकेल कराने की शुरू की तैयारी। गत वर्षों भी यूजीसी की ओर से फर्जी संस्थानों की जारी की गई थी सूची। उसके साथ ही आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक फर्जी विश्वविद्यालय, यूजीसी ने गत वर्ष 24 फर्जी विश्वविद्यालयों के नाम जारी किए थे, जिसमें यूपी में सबसे ज़्यादा फर्जी विश्वविद्यालय के नाम सामने आए हैं, जिसमें वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, महिलाग्राम विद्यापीठ इलाहाबाद, गांधी विद्यापीठ इलाहाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथिक कानपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय अलीगढ़, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय मथुरा, महाराणा प्रताप शिक्षा निदेशन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़, इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद नोएडा, और वहीं दिल्ली की बात करें तो वहां पर 7 फर्जी विश्वविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं जो यूजीसी मानकों का उल्लंघन कर रही है। तो छात्र ऐसे विश्वविद्यालयों से सावधान रहे, इनमें कतई भी एडमिशन ना ले। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन से क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।